सिरोही के रेवदर से समय की बड़ी खबर आपको बता दें। शॉर्ट सर्किट से स्कूल कक्ष में लगी आग। सिरोही रेवदर शॉर्ट सर्किट में विद्यालय कक्ष में ये आग लगी। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करोटी का ये मामला बताया जा रहा है। आग लगने से दो कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सेट, इन्वर्टर, CPU, पंखे सहित अन्य सामग्री आग में जलकर बर्बाद हो गई। आपको बता दें, प्रधानाध्यापक भूराराम ने रेवदर थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पटवारी रामाराम देवासी ने मौके की फर्द रिपोर्ट भी बनाई है। सिरोही के रेवदर से समय की बड़ी खबर, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये आग लगी। प्रिंसिपल ने रेवदर थाने में इसका मामला दर्ज करवाया है। आग के चलते दो कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सहित तमाम रखी वस्तुएं जलकर राख हो गई। तो सिरोही के रेवदर से ये बड़ी खबर, जहां ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस स्कूल की, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी थी। और ये सामान जो कि इस स्कूल में रखा हुआ था, कंप्यूटर, प्रिंटर सहित तमाम सामान इसमें जलकर राख हो गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता प्रवीण पुरोहित। प्रवीण, सिरोही के रेवदर से बड़ी खबर आ रही है, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते स्कूल कक्ष में आग लग गई। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर, क्या पूरी खबर का अपडेट? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है वो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय करोटी का है, जहाँ पर अचानक जो प्रधान कक्ष है और जहाँ पर सामान पड़ा हुआ था वहां पर अचानक शॉर्ट सर्किट लग गई, जिसके चलते वहां पर कंप्यूटर सेट, प्रिंटर सेट, पंखे सहित जो टेबल थे वो अन्य सामान जलकर राख हो गया। और जैसे ही सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ तो वहाँ पे जो विद्यालय प्रशासन है वो वहाँ पे पहुंचा और उसके बाद पुलिस को सूचना भी दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जिसको लेकर जो प्रधानाध्यापक है उसने थाने में रिपोर्ट भी दी है। वही आग जो लगी शॉर्ट सर्किट से, उसके बाद जो पटवारी है रामाराम देवासी थी वो भी मौके पर पहुंचे और मौके पर पहुंचकर पूरी मौका फर्ज वो बनाई है। फिलहाल जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है और कई जो विद्यालय जो कक्ष में रखे थे कई दस्तावेज है उसके भी जलने की सूचना मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, रेवदर से समय की बड़ी खबर, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में के कक्ष में आग लग गई। प्रिंसिपल ने रेवदर थाना में ये मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है।